स्वागत है दोस्तों अनवर एएसपी गैरेज में। दोस्तों आपने बहुत सारी कमेंट वगैरह की थी कि अनवर भाई आपने जो एक 2001 का जो लकड़ी वाला गाड़ी बनाया था उसकी वीडियो फाइनली कैसे नहीं आई है। तो भाई मैं फ्री नहीं था और ये जब गाड़ी बनी थी तब भी मैं फ्री नहीं था और आज ये गाड़ी का शूट हो रहा है, एक साल बाद के हो रहा है और एक साल के बाद ये गाड़ी कैसी आप देखो मस्त पड़ी हुई। ऐसा नहीं है कि ओनर ने इस गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी है और गाड़ी के जो ओनर है वो रहे। और आज इस गाड़ी का आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि आखिरकार एक साल के बाद ये गाड़ी कैसी है। कि आप सभी का बहुत सारा कमेंट वगैरह आता कि अनवर भाई आपने जो गाड़ी बनाई थी उसकी फाइनली वीडियो बनाओ, फाइनली आपको इस गाड़ी का भी रिव्यू देते हैं। सबसे पहले आपको बताऊँ तो ये गाड़ी का जो मॉडल है वो 2001 का गाड़ी है। 2001 में ये गाड़ी नई थी और अभी 2023 चल रहा है तो यानी कि ये 23 साल पुरानी गाड़ी है। और इस गाड़ी में 3-4 बार काम हुआ है लेकिन फाइनली कस्टमर ने सोचा कि हमको ऐसी गाड़ी बनानी है जो गाड़ी इंडिया में पूरी एक हो, तो उस तरह से इस गाड़ी का टेक्चर गाड़ी वाले ने बनवाया है। और ये गाड़ी का आगे से आपको ऐसा लग रहा होगा कि गाड़ी मैक्स पिकअप है, बाकी सारा जो काम है वो लकड़ी का किया हुआ है। भाई मेला फिलर में जो गाड़ी थी उस तरह से इसमें टेक्चर वगैरह किया गया है। इसके साथ साथ आगे आप देखो इसमें बम्फर वगैरह भी लगाए हुए हैं और इसके साथ यहाँ पर हेडलाइट वगैरह, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो भी है और व्हाइट कलर में आगे ये गाड़ी हमने बनाई हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर गुड्स कैरियर लिखा हुआ है। आगे का जो शीशा है उसमें भी काफ़ी सारी कस्टमर ने रेडियम वगैरह करवाई है तो बहुत मस्त लग रही है। साथ में यहाँ पर अलग से एक ये बनाया हुआ है क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए ये भी यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी स्टील का काम किया गया है और यहाँ से देखो ये पूरा जो टेक्चर है ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ से आप देखोगे तो पूरा जो कंपनी देती थी उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ से ये गाड़ी ऑल ओवर यहाँ तक भी लकड़ी की है। देखो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इस तरह से इसमें गेट खुलता है। देखो जो पुरानी जो गाड़ी थी उस तरह से खुलता है, अंदर भी आपको दिखाऊंगा लेकिन पहले आपको बाहर दिखाता हूँ कि बाहर ये गाड़ी किस तरह से, यहाँ से देखो ये पूरा डोर है और इस तरह से खुलता है। देखो तो मस्त लग रहा है, ये पुराना जमाने का पूरा काम लग रहा है। उसके साथ साथ पीछे जो गाड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लकड़ी की बनी हुई है। भाई मुझे तो मस्त लग रही है, आपको कैसी लग रही है ये कमेंट करके जरूर बताना। पीछे भी आपको दिखाता हूँ कि देखो कैसी है पीछे, तो पीछे से पूरा ये पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, ये भी मस्त लग रहा है पूरा। यहाँ पर भी एक बम्पर बनाया गया ताकि गाड़ी को कुछ नुकसान ना आए पीछे देने के लिए। और साथ में इस साइड में आपको दिखाऊँ तो ये देखो पूरा इस साइड में तो ये भी पूरा प्लाईवुड का बना हुआ है और ऑल ओवर लकड़ी की ये गाड़ी बनी हुई है। और आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे किस तरह से, जो उस साइड में जो आपने देखा हो इसी तरह से इस साइड में भी ये गाड़ी बिल्कुल ही बना हुआ है। साथ साथ मैं आपको अंदर भी दिखाने वाला हूँ। और देखो भाई 2001 का गाड़ी आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके आप जरूर बताना। इस गाड़ी में जो इंजन है वो 2001 में आता था, ऐसा इंजन है। इसमें टर्बो वाला इंजन नहीं है लेकिन पुराना इंजन, इंजन का कंडीशन है वो किस तरह से, इसमें इसमें टर्बो वाला इंजन नहीं है। और ये जो चलती है वो आप देखो कि राजस्थान में आपने कई सारी ऐसी गाड़ियां देखी होगी। और देखो भाई इसका इंजन भाई आगे लेके आओ और ये रहा इसका इंजन, और पुराने जमाने वाला इंजन है, 2001 का इंजन है। इसका जो ताकत है वो बात ही अलग है पूरी, इंजन का साउंड है वो कैसा है। तो भाई बोनट खोलो और इंजन का गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और इंजन का सुन रहा है आपको साउंड। तो भाई स्टार्ट कर दो, ये इंजन का साउंड है। तो ये अभी गाड़ी का इंजन का साउंड, आपको इंजन का साउंड कैसा लग रहा है ये आप ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसा इंजन है जो इसमें जो ताकत है वो अभी एक जो गाड़ी आ रही है 2023 में उसमें भी ऐसी ताकत नहीं है जो ताकत इस इंजन में है। तो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि अंदर जो इंटीरियर है वो कैसा है। सबसे पहले तो आप देखो इस गाड़ी पर यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें गाड़ी का जो अंदर का पूरा केबिन है उसमें पूरा स्टील का काम किया हुआ है। ये देखो ओरिजिनल स्टील है भाई, ऐसा स्टील का पूरा बना हुआ है। यहाँ पर भी देखो पूरा स्टील वाला है, यहाँ पर भी बटन वगैरह लगाए हुए हैं गाड़ी के लाइट वगैरह के, तो यहाँ से लाइटिंग ऑपरेट होती है। और यहाँ पर एक सीट बना हुआ है और यहाँ पर जो है वो ड्राइवर सीट है और स्टीयरिंग वगैरह। और ये इस गाड़ी का ओल्ड मॉडल वाला गियर है, देखो इसमें ओल्ड मॉडल वाला। और इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी मीटर वगैरह, और यहाँ से भी पूरी ऑपरेटिंग वगैरह। यहाँ पर भी एक सीट है लेकिन अभी निकाला हुआ है। और इसके साथ साथ ये पूरा अंदर का इंटीरियर है वो आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों फाइनली ये गाड़ी का पूरा ऑल ओवर आपको मैंने रिव्यू बताया, बाहर से अंदर से सब कुछ बताया। आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। और मैं ये बताऊं तो ये गाड़ी ऑल ओवर इंडिया में एक ही ऐसा गाड़ी है। मैंने यूट्यूब पे तो कहीं पर ऐसी वीडियो वगैरह नहीं देखी है कि मैक्स पिकअप पे ऐसा पूरा लकड़े का गाड़ी बना हुआ हो। तो भाई ये कुछ गाड़ी का था और एक साल के बाद मैं शूट कर रहा हूँ, ये गाड़ी को एक साल हो गया है।
जब हमारे पास आई थी उससे बाद ये एक साल के बाद ये वीडियो बन रही है, ठीक है। तो गाड़ी का जो कंडीशन है ऑल ओवर मस्त पड़ा हुआ है। गाड़ी के ओनर है वो भी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। ये सब शौक वगैरह की बात है, क्योंकि आप अगर नई गाड़ी लेते हो और पुरानी गाड़ी में खर्चा करते हो वो शौक की एक अलग बात है। तो गाड़ी के ओनर है उसने ये 2-3 लाख रुपए इसमें लगाए थे। इसमें लाइटिंग का भी काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो पहले आपको लाइटिंग का बता दें कि किस तरह से, और इसके बाद इसकी फाइनली वीडियो की एंड करते हैं। तो भाई चालू करो लाइट को, ये रहा पूरा लाइटिंग का काम देखो। तो ये आगे से पूरा लाइटिंग का काम किया हुआ है, मस्त लग रहा है भाई। आगे से भी कैसी लग रही है, और ये आगे का पूरा व्यू, और देखो इस तरह से पूरा लाइटिंग का काम पीछे भी ट्रॉली में किया गया है। अंदर भी आपको फिर से दिखाऊं, तो ये देखो भाई पूरा अंदर बाहर से मस्त लग रहा है। मतलब यार नाइट में तो ये गाड़ी बिल्कुल ही मस्त लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताओ भाई, कैसी लग रही है नाइट में ये गाड़ी। तो इस तरह से पूरा ये गाड़ी का नाइट का पूरा व्यू है देखो। तो ये था पूरा गाड़ी का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास कोई बोलेरो पिकअप है जिसे आप रजिस्टर करवाना चाहते हो तो डिस्प्ले पे आपको नंबर मिल रहे हैं, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट वगैरह करके आप गाड़ी बना सकते। आज की वीडियो में इतना ही था, नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।